ये देखिए गाइस, ये आलू की इडली कितनी ज्यादा नरम और मुलायम है और इसमें कितनी अच्छी से जालियां बनी है। बहुत ही स्पॉन्जी तैयार हुआ है। ये बनाने में काफी ज्यादा आसान है ये रेसिपी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। और इस इडली को मैंने बिना सांचे के, बिना मोल्ड के तैयार किया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको आलू की बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी फूली इडली की रेसिपी देने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से बहुत ही डिलीशियस तैयार होती है और बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी बनती है। और इस रेसिपी को मैं तैयार करूंगी बिना मोल्ड के, यानी कि बिना इडली स्टैंड के। तो बिना इडली मोल्ड के आलू की इतनी फूली स्पॉन्जी इडलियाँ कैसे तैयार करें, इसे जानने के लिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहें। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज, मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज के आलू लिए हैं। ये कच्चे आलू हैं, इसे छील लिया है मैंने। सबसे पहले इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और मैंने इसे डाल लिया ग्राइंडिंग जार में। अब हम इन्हें बिल्कुल फाइन पीस लेंगे बहुत थोड़े से पानी के साथ। अब मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है। सबसे पहले मैं उसमें ऐड कर दूंगी एक कप सूजी। मैंने यहाँ पे बारीक वाली सूजी ली है। अब सूजी में ऐड कर देंगे 3/4 कप दही, बिल्कुल फ्रेश दही ली है मैंने यहाँ पे। अब ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच नमक, अपने स्वाद के हिसाब से आप नमक ऐड कर लें। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका बिल्कुल गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने दोनों आलुओं को भी अच्छे से पीस कर पेस्ट तैयार कर लिया इसका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल गाढ़ा रखा था मैंने सूजी के घोल को, ताकि हम इसमें ये मिलाएंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो अच्छे से इसे डालने के बाद भी मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, मैंने बहुत अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे इनो सॉल्ट, यानी कि फ्रूट सॉल्ट। इसे भी ऐड करने के बाद हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इनो ऐड करने के बाद बैटर फूल जाता है, तो हम तुरंत ही इसकी इडली बना लेंगे। हमारे पास मोल्ड नहीं है तो हम इसे बनाएंगे प्लेट्स में। तो आप देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे बहुत छोटी और कुछ थोड़ी सी बड़ी प्लेट्स हैं, जिसे मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। उसमें मैं बैटर डाल दूंगी इस तरह से। तो दो दो स्पून भर के मैं सभी में बैटर डाल दूंगी। अगर आपके पास इस तरह की प्लेट्स नहीं है तो आप छोटी कटोरी में भी बना सकते हैं इडली। तो देखिए, सभी में बैटर डाल के मैंने तैयार कर लिया है। और यहाँ पे मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था। पानी उबल चुका है। किसी भी बड़े से कढ़ाई या पतीले में आप पानी उबाल लें। उसके ऊपर मैंने यहाँ पे जाली रख दी है और जाली के ऊपर रख दूंगी ये प्लेट्स, जिसमें मैंने बैटर को डाला है इडली बनाने के लिए। तो देखिए, इसमें पांचों छोटी प्लेट्स आ गई हैं फिट। दोनों जो थोड़ी सी बड़ी प्लेट्स हैं उन्हें मैं बाद में स्टीम करूंगी। तो अब इसका ढक्कन लगा देंगे, यानी कि इन्हें ऊपर से कवर कर देंगे। और इन्हें कवर करने के बाद हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक, उसके बाद फ्लेम को हम कर देंगे बिल्कुल लो पे और लो फ्लेम पे 10 मिनट तक स्टीम करेंगे। तो देखिए, लगभग 15 मिनट तक मैंने इन्हें स्टीम किया है। अब इसका ढक्कन मैंने हटा दिया। अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं। आप इसे किसी नाइफ से चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पे टूथपिक से इसे चेक कर रही हूँ। तो बिल्कुल सेंटर में मैंने टूथपिक को डाल दिया है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लीन निकली है टूथपिक। तो इसका मतलब ये अच्छे से स्टीम हो गए हैं। तो अब हम सावधानी के साथ इन प्लेट्स को निकाल लेंगे और जो दूसरा बैच है उसे स्टीम होने के लिए रख देंगे इसमें। अब मैंने तीनों बड़ी प्लेट्स को इसमें रख दिया स्टीम होने के लिए। तो इन्हें भी हम सेम उसी तरीके से स्टीम कर लेंगे। तो देखिए, सभी इडलियों को मैंने स्टीम कर लिया है और इन्हें हल्का ठंडा कर लिया है। बहुत ही गर्म जब हो तो आप इन्हें डीमोल्ड ना करें। अब मैं इन्हें डीमोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से चम्मच की सहायता से सबसे पहले इसके किनारे छुड़ा लेंगे और निकालते जाएंगे, बहुत ईजिली ये निकल जाएंगे। इडली बहुत अच्छे से डीमोल्ड हो गई है, आप देख सकते हैं। मैं आपको क्लोजअप से दिखा रही हूँ और जालियाँ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही सॉफ्ट इडली तैयार हुई है। ये आलू की इडली बहुत ही सॉफ्ट होती है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी। तो अब इसी तरह से बाकी के सभी इडलियाँ डीमोल्ड कर लेंगे।
तो ये तो छोटी इडली थी, एक बड़ी वाली भी मैं आपको डिमोल्ड करके दिखा देती हूँ। तो एक बार हल्के से चम्मच को इस तरह से घुमाने से ही बहुत इजली से इडलियाँ निकल जाती हैं। तो इडलियाँ बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई हैं, फटाफट से इन्हें परोस लेते हैं। तो मैंने आलू की फुली फुली और सॉफ्ट स्पॉन्जी इडलियों को नारियल के चटनी के साथ परोसा है। सो गाइस, कैसी लगी बिना मोल्ड के आलू से बनी फुली फुली स्पॉन्जी सॉफ्ट इडली की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे इस रेसिपी को। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बाय गाइस, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।